ओके जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है मेटालिक सॉलिड्स का। मेटालिक सॉलिड्स पार्ट टू, इस लेक्चर में हमने जो चीज़ स्टडी करनी है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने जो चीज़ें देखी थी वो ये थी कि कौन कौन सी थ्योरीज जानती हैं आपके पास मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन करती हैं, और फिर उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। इस पोर्शन में हम इसके मेटल के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करेंगे। अभी हम प्रीवियस जो सी बात थी उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एटम, मेटेलिक एटम्स होते हैं, मेटेलिक एटम्स दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और खुद बन जाते हैं पॉजिटिव आयंस। और फिर हमने देखा था कि ये पॉजिटिव आयंस जो उनसे मौजूद होते हैं ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है अटैच रहते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का जो पूल होता है, या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो कहती थी कि इलेक्ट्रॉन का जो पूल है वो इन एटम्स को, इन आयंस को जो है वो साथ रखने में मदद देता है। अब ये सेम एटम जो उनसे हैं, सेम मेटल के हैं, एक ही मेटल के एटम्स होंगे, तो इन सब का जो साइज़ है जिसको हम एटॉमिक रेडियस, और अब ये चूंकि आयन है तो इसको हम आयोनिक रेडियस का नाम देते हैं, वो जो है हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि आपके पास वो, उसका जो साइज़ है उसके आयन का, उनका रेडियस जो है वो सेम होगा, वो सेम रेडियस के जो उनसे हैं वो सर्कल होंगे। अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से जो उनसा है एक दूसरे के साथ पैकिंग में, उनकी पैकिंग किस तरह की है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अब सपोज़ करते हैं कि जो आपका मेटल का आयन है, पॉजिटिव आयन है, डैट इज़ स्फेरिकल इन नेचर। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक जो है वो डिफरेंट आयंस ऑफ मेटल हैं जो कि क्लोजली पैक्ड हैं। दीज आर 12 बॉल्स जो कि एक बॉक्स के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनको पैक किया हुआ है। अब अगर उस बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर ये 12 जोन से आपके पास मौजूद हैं, इनको अगर मैं इस बॉक्स को शेक करूं, क्योंकि अभी इसके दरमियान जो जगह मौजूद हैं, ये जो वाइट में आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर द स्पेसेस बिटवीन दीज एटम्स। अब ये स्पेसेस इससे मज़ीद कम भी हो सकती हैं, अगर मैं इस बॉक्स को शेक करूं तो वो नई शक्ल जो लेंगे वो कुछ इस तरह की होगी। अब ये जो 11 बॉल्स हैं इनकी निस्बत इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो हो गई हैं अब कम। ये आपको नज़र आ रही होगी, ट्रायंगुलर शेप्स जो सी हैं इसके दरमियान आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे जो इन एटम्स के या इन बॉल्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, और अब ये मूव कर गया है इधर। जब हमने बॉल को शेक किया तो वो इस शक्ल में आ जाएंगे। और क्यों इस शक्ल में आएंगे, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस जो सी हैं वो अब कम हैं। लेकिन इस शेप में आने के बावजूद भी जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये जोन से हैं वॉइड्स जिनको हम कहते हैं, ये मौजूद रहेंगी। ये वॉइड्स जोन सी हैं ये बता रही हैं कि आपकी जोन सी पैकिंग है वो जितनी मैक्सिमम क्लोज हो सकती थी उतनी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो है कुछ एरियाज जो हैं वो मौजूद हैं। ये जो डिप्रेशंस हैं जिनके दरमियान से आप नीचे वाली ज़मीन, वाइट एरिया को आप देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड वाइड वॉइड्स या सर्विसेज।
के स्वेलिंग होते हैं क्रेविसेस। ये जो चीज़ है आपके पास, ये इम्पोर्टेंट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। इसको हम फिर से देखते हैं कि सपोज़ करें कि एक मेटल का जो पॉजिटिव आयन है वो एक बॉल है, और ये आपके पास 12 बॉल्स जो उनसे हैं वो इस तरह की पैकिंग में एक डब्बे में आपके पास मौजूद थे। आपने इसको जब शेक किया तो 11 बॉल्स इस तरह की पैकिंग में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ज़्यादा फेवरेबल है कि इसमें एरियाज, इसमें जो डिस्टेंसेज हैं वो कम हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये ओब्वियसली जो है आपके पास उसको कम करेगा, डिस्टेंस मौजूद रहेगा लेकिन इसकी निस्बत जो है वो कम होगा। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो तीन जो उनसे हैं बॉल्स हैं मौजूद, दीज आर द थ्री बॉल्स, ये इस तरीके से मौजूद हैं एक प्लेन के अंदर, दिस इज़ वन प्लेन ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और जो बॉल है उसको ला के इसके ऊपर रख देता हूँ। अब ये जो ब्लू वाला बॉल है दैट इज़ इन सेकंड प्लेन। मतलब क्या है कि तीन बॉल जब मैंने जोड़ के इस तरह से अपने साथ रखे तो इनके दरमियान में ये एक डिप्रेशन, एक वॉइड क्रिएट होगा। इस वॉइड के ऊपर मैं अपना एक और बॉल ये ब्लू वाला रख देता हूँ। तो अब अगर इसको मैं जो सीधा करके देखूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। ये एक बॉल, सॉरी ये बॉल, इसके पीछे एक बॉल ये था और इसके पीछे दूसरा बॉल जो है वो ये था, और इसके ऊपर इनके दरमियान मौजूद वॉइड के अंदर मैंने ये एक दूसरा बॉल रख दिया। तो इसकी जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, कुछ इस तरह की शेप होगी। और ये शेप अगर आपको याद हो तो हम उसको कहते हैं ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो इस तरीके से आपके तीन बॉल्स के दरमियान होने वाली जो सी वॉइड थी उसको जो है वो फिल कर दिया आपने, उसके ऊपर एक और बॉल रखा तो वो वॉइड जो सी थी वो फिल हो गई और आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। अब हम आगे चलते हैं कि जब लेयर्स एक दूसरे के ऊपर हम बिछाते हैं तो वॉइड्स सारी की सारी फिल होती हैं या नहीं होती हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, आप अपनी बेसिक जो सी थी वो वाली आप उसको कंसीडर करें। ये आपकी बेसिक जोन सी है, मैं अब दोबारा से उसको बनाता हूँ। दीज आर द 11 बॉल्स जो के आपके पास मौजूद होंगे जब आप उनकी पैकिंग को ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ द सेम थिंग जो कि मैंने आगे भी जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश की थी। एंड हेयर वी हैव 11th बॉल। ये मेरे पास 11 बॉल्स हैं मौजूद जो कि आपस में पैकिंग है, और इनके दरमियान ये ट्रायंगुलर जो सी आपको हैं वॉइड्स वो नज़र आ रही हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हम इसके ऊपर जो है मज़ीद इसकी जो सी वॉइड्स हैं, ये जो सी ट्रायंगुलर शेप्स हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि तीन बॉल्स के दरमियान मौजूद वॉइड में हमने एक और बॉल रखा था, वही काम अब हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं। इसके ऊपर अब हम एक और बॉल जो है वो रख देते हैं इनकी वॉइड्स के दरमियान। तो ये एक बॉल आएगा इसकी वॉइड्स के ऊपर, इसकी वॉइड फिल हो गई, ये बॉल आ गया इसके ऊपर, और ये वाला जो बॉल है वो आएगा आपका इस तरीके से इस वॉइड के ऊपर। इसी तरह अब इनके दरमियान जो सी वॉइड है वो जो है वो अब हम फिल करेंगे। दीज आर द बॉल्स विच आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ। अब अगर इसको आप देखें तो अब
दो तरह की वर्ड जो सी हैं आपको नज़र आएंगी। वो दो तरह की वर्ड जो सी हैं वो कौन सी हैं? अगर हमने इसके ऊपर क्या किया, ये हमारे पास पहली लेयर थी, फर्स्ट लेयर ऑफ बॉल्स, और ये हमारे पास जो है दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ दोज बॉल्स। अब हो क्या रहा है कि अब हमारे पास दो तरह की वर्ड्स हैं। एक में आप देखें तो आपके पास नीचे आपको ग्राउंड अभी भी नज़र आ रही है, पूरी की पूरी जो ग्राउंड है वो छुपी नहीं है, तो हम इसको कहते हैं ये बी टाइप के वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स ऑफ बी टाइप। और इनके दरमियान जौन सी स्पेसेस हैं उनमें एक जौन सी है वो ये है कि जिसके नीचे आपको वाइट तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपको नीचे वाली लेयर का बॉल नज़र आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ कि ये ए टाइप के मेरे पास वर्ड्स हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने क्या किया, आपने एक लेयर, फर्स्ट लेयर जौन सी थी आपके बॉल्स की, आपने उनको इस तरीके से पैक किया कि उनके दरमियान ट्रायंगुलर छोटे छोटे वर्ड्स थे। उनके ऊपर आपने सेकंड लेयर ऑफ बॉल जो सी है वो प्लेस की, तो हमने देखा कि जो वर्ड्स थे वो सारे के सारे फिल नहीं हुए, जबकि दो टाइप्स के वर्ड्स थे। एक ए टाइप के वर्ड्स ये थे कि जब आपने ऊपर से उनको देखा तो आपको नीचे ज़मीन तो नज़र नहीं आई लेकिन आपको नीचे वाले बॉल का एरिया नज़र आया, ये ब्लैक वाला, दीज आर द ए टाइप ऑफ वर्ड्स। और फिर हमने दूसरे टाइप के वर्ड्स देखे कि आपको नीचे वाला बॉल के अलावा नीचे वाली ज़मीन भी नज़र आई, तो ये दो तरह के वर्ड्स हो गए, ए टाइप्स एंड बी टाइप्स। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब इसके ऊपर आपने अपनी थर्ड टाइप ऑफ बॉल्स को प्लेस करना है, इसके ऊपर थर्ड लेयर को, टाइप सॉरी, इट इज़ थर्ड लेयर। इस थर्ड लेयर को आपने जब इनके ऊपर प्लेस करना है तो फिर हमारे पास जौन सी हैं वो दो तरह की टाइप्स जौन सी हैं वो सामने आती हैं, दो तरह की पैकिंग जौन सी है वो हमारे पास सामने आती है। नंबर वन इज़ क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड नंबर टू इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दो तरह की पैकिंग जौन सी है हमारे पास मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम इतनी देर से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ कि जब आपने इन दो लेयर्स के ऊपर एक थर्ड लेयर बिछाई अपने बॉल्स की, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक पॉसिबिलिटी होगी कि या वो क्यूबिकल क्लोज या क्यूब क्लोज पैकिंग बन जाए या वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जाए। अब उन पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो हम देखते हैं। नंबर वन इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आपके पास ए और बी दो टाइप के जो थे वर्ड्स वो मौजूद थे। ए टाइप वो था कि जिसके अंदर आपको फर्स्ट लेयर के बॉल नज़र आते थे, और बी टाइप की वर्ड वो थी जिसमें आपको ग्राउंड नज़र आती थी वाइट वाली। अब जो आपने थर्ड लेयर अपनी बिछाई है, थर्ड लेयर, अगर तो वो थर्ड लेयर इस तरह की फिटिंग हो, थर्ड लेयर जो है वो फिट हो जाए इनटू द इंटरस्टेसेस, मतलब जो कि खाली जगह हैं, कौन सी वाली खाली जगहों को ये फिल करे जो कि हमने बी से मार्क की है। अगर तो वो ग्राउंड नज़र आने वाली जो स्पेसेस थी वो थर्ड लेयर आके फिल अप कर दे, फॉर एग्जांपल थर्ड लेयर को रखने के बाद अगर हमें ज़मीन वाली वर्ड नज़र आना बंद हो जाए तो हम कहेंगे कि ये पैकिंग जोन सी है दैट इज़ क्यूब क्लोज पैकिंग या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होगी। अगर थर्ड लेयर को बिछाने से बी टाइप के वर्ड्स और बी टाइप के इंटरस्टेसिस जोन से हैं वो फिल अप हो जाएं, वो फिट हो जाएं उनमें थर्ड लेयर आके, तो हम कहेंगे दीज आर द क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। इसको हम ए बी सी टाइप भी कहते हैं, या 1 2 3 1 2 3, क्योंकि ये तीन लेयर जोन सी हैं ये इस तरीके से रिपीट होती हैं, और इसको क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब अगर इसको आप देखें तो इसके अंदर जो है फोर्थ, सेवन्थ एंड टेंथ, चौथी सातवीं और दसवीं लेयर के जोन से बॉल्स होंगे,
वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने जौन सा है वो आ रहे होंगे। इसकी एग्जांपल जो है आपकी बुक में एक डायग्राम भी है, अगर आप उसको देखें तो ये वाली, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, ये वाली जौन सी साइड है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की है। इस तरीके से जो है ये आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप है जिसके दो टाइप के जोन से हैं आपके पास बॉल्स हैं ए बी और सी, और थर्ड लेयर जोन सी है इस तरीके से उसके ऊपर आके फिट होती है कि हमारे पास जो ग्राउंड का एरिया होता है वो हमें नज़र आना बंद हो जाता है। तो अगर तो आपकी थर्ड लेयर जोन सी है बी टाइप के वर्ड्स को जो है क्लोज करे या उसको फिट कर दे, तो हम उसको कहेंगे दिस इज़ द क्यूज क्लो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। और अगर तो आपके पास सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब अगर तो आपकी थर्ड लेयर फिट्स, थर्ड लेयर कहाँ फिट हो, इनटू द इंटरस्टेसिस, कौन से इंटरस्टेसिस को, जिनको हमने नाम दिया इंटरस्टेसिस कॉल्ड ए टाइप। ए टाइप अगर आप रिकॉल करें तो ए टाइप वो इंटरस्टेसिस थे जिसमें आपको सेकेंड बल्कि फर्स्ट लेयर का के बॉल्स नज़र आते थे, जबकि बी टाइप में आपको ग्राउंड नज़र आती थी और ए टाइप में आपको फर्स्ट लेयर के बॉल्स नज़र आते थे। तो अगर आपकी थर्ड लेयर इस तरीके से फिट हो कि वो ए टाइप के जो उनसे इंटरस्टेसिस या वॉइड्स हैं उनको वो फिलअप कर दे, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास हेक्सागोनल लेयर जो सी है वो बन गई है। और ये कब होगा, जब आपकी थर्ड लेयर जो सी है वो डायरेक्टली आपकी फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर जब आएगी आइडेंटिकल, जैसे हमने क्यूबिकल क्लोज में पढ़ा था कि फोर्थ सेवन्थ और टेंथ जो सी हैं होती हैं, इसके अंदर क्या होता है 1, 3 एंड 5, एक छोड़ के एक जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर आइडेंटिकली फिट होती है, और जो पैकिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसको हम ए बी सी और 1, 2, 3, 1, 2, 3 कहते थे, इसको हम ए बी और 1, 2, 1, 2 पैकिंग कहते हैं, क्योंकि एक छोड़ के एक जो है वो उसके सामने बिल्कुल आइडेंटिकल जो होता है वो आ जाता है। इसकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल उसके साथ वाली है जो ये वाली, इसको अगर आप देखें तो एक पैकिंग और नीचे दूसरी बाद वो वाली, तो इस तरीके की जो पैकिंग है एक छोड़ के एक वाली दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट मेटेलिक स्ट्रक्चर। लेट मी समराइज इट, मेटेलिक स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि जो बॉल्स होते हैं उनके दरमियान वॉइड्स जो उनसे हैं वो क्रिएट हो जाते हैं अगर हम उन्हें क्लोजली पैक करें। फिर इसके ऊपर अगर हम जो डिप्रेशन क्रिएट होता है अगर हम एक और बॉल रख दें तो वो वॉइड जो है वो फिल हो जाए, और फिर हमने डिटेल में उसको जो है वो स्टडी किया। और नेक्स्ट फिर हमने इसमें देखा कि जब लेयर जोन सी हैं आपस में अटैच होती हैं तो उनके ऊपर जब दूसरी लेयर हम बिछा देते हैं तो हमारे पास ए और बी टाइप के दो वॉइड्स बन जाते हैं, और उन वॉइड्स को जब थर्ड लेयर आके फिल करती है तो दो टाइप की पैकिंग हमारे पास आती हैं। अगर वो ए टाइप को फिल करे तो दैट इज़ क्यूबिकल पैकिंग, और अगर वो बी टाइप को फिल करे तो दैट इज़ क्यूबिकल पैकिंग, और अगर वो ए टाइप को फिल करे तो दैट इज़ बी फॉर क्यूबिकल एंड ए फॉर हेक्सागोनल। तो ये हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर जो उनसे हैं डिफरेंट मेटल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या वो क्यूबिकल होते हैं या वो हेक्सागोनल होते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से थर्ड लेयर जो उनसी है उसके ऊपर आके एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी वॉइड्स को वो फिल कर रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट मेटेलिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये चैप्टर जो है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने बढ़ेंगे।